एवरी वर्न वेलकम बैक टू माई चैनल तो कल आपका सी का एग्जाम हुआ है और साइंस पेडोलॉजी के क्वेश्चन मैंने देखे काफ़ी आसान आए हुए हैं ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस तो पहला क्वेश्चन ही नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड आ गया है और ये मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया हुआ है आपके साथ तो ऑप्शन में पहले में बोला है कि साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो भी ह्यूमन बींग्स है और उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों नेचर हो सकता है हर बार ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट है वो टोटली totally ऑब्जेक्टिव हो ठीक है जब हमने मेथ डिस्क्राइब किए थे तो उसमें ये बात हमने कही थी सेकेंड में बोला है साइंटिफिक मैथड एक ऐसा मैथड है जो कि रिसर्च की कि को किस तरह से कंडक्ट की जाती है उसको गाइड करता है तो ओनली यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ना ओनली तो ऐसा भी नहीं है ये भी एक मिथ है कि सिर्फ़ एक साइंटिफिक एक यूनिवर्सल मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है फिर नेक्स्ट है साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स। क्या साइंस बिलीव्स का सिस्टम है बिल्कुल भी नहीं साइंस इज़ साइंस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है साइंस एविडेंसेस पे बेस्ड होता है किसी के भी बिलीव्स पे बेस्ड नहीं होता है फिर नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है साइंस इज सोशल इन नेचर तो ये तो हमें पता ही है कि जो साइंस है हमारी किस तरह से सोसाइटी से कनेक्टेड है है ना तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है फिर नेक्स्ट में वैलिडिटी uh, से क्वेश्चन आ गया वैलिडिटी वाली वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो मैंने सिक्स वैलिडिटीज़ के बारे में बात करी थी है ना तो उसमें से कॉगनेटिव वैलिडिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि काग्नेटिव वैलिडिटी साइंस करिकुलम में इसका मतलब ये है कि काग्नेटिव uh, मतलब जो Uh, जो मेंटल लेवल है स्टूडेंट्स का लर्नर का उस हिसाब से हमारा जो कंटेंट है वो होना चाहिए तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है अडेप्टन ऑफ कंटेंट एज पर द काग्नेटिव लेवल्स ऑफ लर्नर तो ये तो ईजी था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव इन द अपर प्राइमरी स्टेज तो हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स जो ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है ना तो वहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल पे किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं एन 2005 के द्वारा क्या रिकमेंड किया गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू एवरी डे बिल्कुल सही बात जो हमारा कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं साइंस का मतलब ये नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन है वो देना तो हमने ये बात हर वीडियो में करी है कि साइंस का मतलब ये है कि जो डे टू डे एक्सपीरियंस है ना बच्चा जहाँ से आ रहा है उसको उसके कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना तो पहला तो बिल्कुल सही है फिर नेक्स्ट में बोला है कॉन्सेप्ट इस तरीके से करवाया जाए कि वो एक्टिविटीज से निकले तो जो आपने देखी भी होगी अगर साइंस की बुक आपने देखी है सिक्स सिक्स सेवेंथ एट्थ है ना इनकी अगर आपने बुक्स देखी हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स कितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बिल्कुल सही है ये भी फिर नेक्स्ट में बोला है कि कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को वो डिसिप्लिनरी अप्रोच डिसिप्लिनरी मतलब अप्रोच का मतलब ये होता है कि जैसे फिजिक्स है तो उसको सिर्फ फिजिक्स तक ही रहने दिया उसको हमने बाकी चीज़ों से कनेक्ट करके नहीं देखा जबकि ये बिल्कुल ही गलत है हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं चीज़ों को एज अ होल एज ए इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं तो सी ऑप्शन गलत है फिर लास्ट में बोला है अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जो लॉज हैं थ्योरीज हैं उनको भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि नाइन्थ टेंथ में जाके वो चीज़ें और अच्छे से समझ पाए तो ए बी डी यहाँ पर बिल्कुल सही है सी गलत है बाकी तीनों सही है फिर नेक्स्ट में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट साइंस तो यहाँ पर साइंस के को ले, लेकर के जो साइंस के लिए जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से सही कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला अगर यहाँ पर ना अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार पैडोगॉजी में वो ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे थे तो आप मतलब कर लोगे क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको जो पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है ना उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी इस बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सबसे पहले ये पूछा गया वैन अ थ्योरी वेन अ थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम लॉ तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था कि ऐसा नहीं होता है थ्योरी का अलग फंक्शन होता है लॉ का अलग फंक्शन होता है थ्योरी और लॉ में आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है लॉ क्या होता है जब भी कोई फिनोमिनन है उसको ऑब्जर्व किया उसका किसी ने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया ठीक है तो जैसे न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन लॉ उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ग्रेविटी क्या होती है ग्रेविटी कैसे वर्क करी करती है ये एक्सप्लेन नहीं करा था ठीक है तो वहाँ पर उसने लॉ दिया था तो कोई भी थ्योरी नहीं दी थी थ्योरी किसने दी थी बाद में आइंस्टीन uh, ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू तो थ्योरी और लॉ डिफरेंटली फंक्शन करते हैं इन दोनों का कनेक्शन नहीं होता है तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है फिर नेक्स्ट में इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम्स ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो साइंस क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम साइंस के थ्रू सॉल्व uh, हो सकती है फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सकती तो इस तरह की चीज़ें फिर नेक्स्ट में बोला है साइंटिस्ट रिले हैविली और हैविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क हाँ कुछ हद तक सही है कि जो uh, जो साइंटिस्ट हैं वो इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करते हैं uh, जैसे क्रिएटिविटी हो गया है ना ब्रेन ब्रेन स्टॉमिंग हो गया तो ये ठीक है फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर डिस्कवर्ड एंड टेस्ट बाई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ये भी मैंने मिथ में बताया हुआ था एग्जाम्पल के साथ बताया था मैंने ये कि जितने भी ऑल लिखती है एक तो पहली बात यहाँ पे हाँ होते हैं कुछ होते हैं लेकिन सारे नहीं जैसे वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था पेनिसलिन का जो उसकी डिस्कवरी थी वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हुई थी जो एलेक्जेंडर फ्लैमिंग है उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी उन्होंने ऑब्जर्व किया था अपनी लेबोरेटरी में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया और फिर वहाँ से पैनिसिन पेनिसलिन जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी तो यहाँ पर कहीं भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तो सारे नहीं होते ठीक है तो ये ऑप्शन भी गलत है तो सिर्फ हमारा ऑप्शन जो राइट right है वो थ्री है यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ईशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ वीक ईशू एक बच्ची है जिसको एक टास्क दिया हुआ है कि वो वेदर रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व करें कुछ दिनों तक और उसने क्या गलती करी है असेसमेंट में वहाँ पर इसमें ऑप्शन के थ्रू बताना है तो उसने क्या कंक्लूड किया जब उसने ऑब्जर्व किया उसने ये देखा कि जो ह्यूमिडिटी है वो जब डिक्रीज हो रही है ना तो जो रेनफॉल है वो उसकी जो होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है तो चांसेस रेनफॉल के इंक्रीज हो जाते हैं ना कि डिक्रीज होते हैं ठीक है तो उल्टा पूछा है यहाँ पे तो गलत है बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब लाइवलीहुड मतलब जो चांसेस हैं रेनफॉल के वो इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है फिर नेक्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेपचुअल गैप्स इन लर्नर अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट कहीं पे गड़बड़ा रहा है मतलब कुछ गैप है उसके अंदर तो वो कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों को बोल सकते हैं हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू है ना कॉन्सेप्ट मैप ये ये भी हमने पढ़ा था तो पहला ऑप्शन सही है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू इनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटीज एक्सेप्ट मतलब अगर हमें इनकरेज करना हो बच्चों को किसी लड़कियों को सॉरी पर्टिकुलरली लड़कियों को अगर हमें इनकरेज करना है कि वो साइंस लें तो वहाँ पर हम कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं इसको छोड़ करके तो साइंटिस्ट जो है वुमेन साइंटिस्ट उनको इनवाइट किया जा सकता है जैसे गर्ल्स क्या हो सके इंस्पायर हो सके ठीक है ये एंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामाइनिंग मिथ एंड स्टीरियो टाइप्स अबाउट साइंस मतलब कुछ स्टीरियो टाइप्स बने हुए हैं मिथ बने हुए हैं साइंस को लेकर के बच्चों को उसको पहचानने में एग्जामाइन करने में उनको एंगेज कर सकते हैं ठीक है यहाँ से उनको दूर किया जा सकता है ठीक है यूज़ जेंडर सेंसेटिव लैंग्वेज एंड इंकरेज यर स्टूडेंट्स टू डू सो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो जेंडर इक्वलिटी को शो करे ठीक है ठीक है ये भी फिर लास्ट में बोला है बी माइ माइंडफुल डैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन डिस्कशंस इन क्लास रूम मतलब साइंस की क्लास में हमेशा गर्ल्स डोमिनेट करें तो हम जो हमारा जो फोकस है वो जेंडर इक्वालिटी पे ऐसा नहीं है कि हमने एक को कम कर दिया और दूसरे को बराबर लाने के लिए हम दूसरे को ज़्यादा करते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स ही डोमिनेट करें बराबरी पे लेके आ सकते हैं कि उनको दोनों को चांसेस दिया जाए ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है ये नहीं हमें करना है कि हम एक ही पर्टिकुलर जेंडर को डोमिनेट करने के लिए बोल रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटेजी तो फोर्थ सही है फिर नेक्स्ट है साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन डाइवर्जेंट क्वेश्चन और कन्वर्जेंट क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं कन्वर्जेंट जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं मतलब जिसमें ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगती और डाइवर्जेंट मतलब उसके अपोजिट ठीक है तो साइंस टीचर क्या कर सकती है डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए ज्यादा से ज़्यादा क्यों क्योंकि इससे बच्चों की ना सोचने की क्षमता बढ़ती है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है सही बात है ये बच्चों को करेक्ट आंसर की तरफ ले जाता है क्या ऐसा हमेशा होता है ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चा कभी भी कुछ भी सो सकता है ना तो वहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें तो करेक्ट आंसर की तरफ ही जाना है तो बी ऑप्शन गलत है इट हेल्प इन डेवलपिंग थिंकिंग स्ट्रेटजीज ठीक है बच्चे को सोचने की क्षमता बढ़ती है कि किस तरह से सोचना होता है ना ये चीज़ बढ़ती है उसके अंदर उसके अंदर क्रिएटिव बिहेवियर डेवलप होता है तो ए बी डी सही है यहाँ पर सॉरी ए बी डी कह रही हूँ बी गलत है बी बी गलत है आई एम सॉरी बी मैंने आपको बोला कि आंसर डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं उसको वो करता कि मतलब तुम करेक्ट आंसर निकालो ए सी डी यहाँ पर सही है मतलब ऑप्शन फोर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेशन पे देखो क्वेश्चन आ ही गया और मैं इसको मैंने एक वीडियो में इसमें समझाया हुआ है समझाया भी हुआ है जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन uh, पे पहले बार पहले भी आ चुका है मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही होती है वहाँ पर बच्चे बस टीचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर काइनेस्थेटिक <coughs> सॉरी काइनेस्थेटिक लर्निंग की बात नहीं हो रही होती काइनेस्थेटिक लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चे हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं जबकि डेमोन्स्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता ठीक है डेमोन्ट्रेशन में कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन है ज़्यादा किसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है टीचर्स का

तो देखते हैं सबसे पहले क्या है अलाउ स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक कि ऑब्जेक्ट कौन से डूब जाते हैं कौन से फ़्लोट uh, करते हैं इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को रिलेट uh, करवाना कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर इन टब विद डिफ़रेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट से बच्चे खेले बच्चों को बोलना कि वो एक बोर्ड को डिज़ाइन करें जो कि एक किलो वेट को कैरी कर सकता है तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने बच्चे को बोर्ड डिज़ाइन करने के लिए बोला कि एक किलो जो वेट को कैरी कर सके हु? और फिर उस बोर्ड से बच्चों को खेलने के लिए बोला उसमें बच्चे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं है ना एक किलो से जो कम वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको रख सकते हैं उससे ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं है ना तो यहाँ पर फिर वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक कर जा रहे हैं तो आई आपको आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर सी बी और फिर फाइनली वो उस तक पहुँचे रिलेशनशिप तक पहुँचे किसके बीच में डेंसिटी की रिलेशन तो ए सी बी ए मतलब ऑप्शन फोर यहाँ पर बिल्कुल सही है चलिए हमने क्वेश्चन डिस्कस तो कर लिए हैं आज और आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइए आपका कितना स्कोर रहा और किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एग्ज़ाम मतलब कितनी बार आप ये पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे या फिर दूसरी बार दे रहे थे और मेरी वीडियोस ने कितना हेल्प किया तो प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और इससे क्या होता है ना मुझे भी मोटिवेशन मिलती है मुझे एक कमेंट आया हुआ था अभी वैसे मैं एक इंटर इंटरेक्शन वीडियो भी रखूँगी आपके साथ मेरे हंड्रेड सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं तो उसका एक इंटरेक्शन वीडियो रखूँगी मैं तो वहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी हो सकता है मैं लाइव भी आऊँ Uh, क्योंकि लाइव का ऑप्शन uh, शायद खुल जाता है हंड्रेड सब्सक्राइबर के बाद और वहाँ पे फिर हम uh, बातें करेंगे डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और uh, बस इतना ही और क्या ठीक है तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो और आपको uh, मैं बातें करती रहूँगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय